बीजेपी और केंद्रीय एजेंसियों पर लगातार निशाना साधने वाले महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक आज खुद ईडी के निशाने पर आ गए। प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम बुधवार सुबह नवाब मलिक के घर पहुंची और उन्हें पूछताछ के लिए अपने दफ्तर ले आई। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने नवाब मलिक के खिलाफ इस कार्रवाई को केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करार दिया। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक से पूछताछ की। मलिक को बुधवार सुबह 7 बजे उनके आवास से ईडी दफ्तर ले जाया गया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को ईडी द्वारा उनके घर से उठाकर ले जाने पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने आपत्ति जताई। संजय राउत ने इसे महाराष्ट्र सरकार को चुनौती देना बताया। राउत ने कहा कि 2024 के बाद बीजेपी को भी यह सब भुगतना पड़ेगा। बुधवार सुबह नवाब मलिक को प्रवर्तन निदेशालय की टीम द्वारा पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाने पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने भी इसे मोदी सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग बताया। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए शरद पवार ने कहा, नवाब मलिक लगातार केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ बोलते रहे, इसलिए उन पर कार्रवाई की गई। शिवसेना एनसीपी के हमलों का जवाब देते हुए बीजेपी ने कहा कि सबूतों के आधार पर नवाब मलिक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बीजेपी की ओर से कहा गया कि अगर मलिक निर्दोष है तो उन्हें डरने की क्या जरूरत। खबरों के मुताबिक दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर के बयान में ईडी को नवाब मलिक को लेकर कुछ जानकारियां मिली थी, जिसके बाद मलिक को समन भेजा गया। यह बयान किसी जमीन के सौदे से संबंधित बताया जा रहा है। बीते साल नवंबर में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाए थे कि मलिक ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जमीनें खरीदी है। साथ ही उन्होंने दावा किया था कि प्रॉपर्टी मुंबई धमाके में शामिल रहे आरोपियों की है। खबरों के मुताबिक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम देश में हिंसा फैलाने की फिराक में है। इसके लिए उसने एक स्पेशल यूनिट भी तैयार की है, जिसके माध्यम से वह देश के किसी बड़े नेता या व्यापारी पर जानलेवा हमला करने की तैयारी कर रहा है। इस जानकारी के आधार पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दाऊद और उसके करीबियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। दाऊद की इस प्लानिंग का पता चलते ही केंद्रीय एजेंसियां इसकी फंडिंग के स्रोत का पता लगाने में जुट गई, जिसके बाद इस मामले में ईडी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके करीबियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। ईडी ने दाऊद के भाई इकबाल कास्कर को पूछताछ के लिए फिलहाल अपनी कस्टडी में ले लिया है। इस केस में ईडी पहले ही मुंबई में 10 से ज्यादा इलाकों की तलाशी ले चुकी है, जिसमें इकबाल कास्कर के ठिकानों समेत दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के घर की भी तलाशी ली जा चुकी है। पिछले कुछ दिनों से केंद्रीय एजेंसियों के छापों से गर्माई महाराष्ट्र की राजनीति में आया यह उबाल जल्द शांत होता नहीं दिख रहा है। हाल में शिवसेना के सांसद संजय राउत ने भी मोदी सरकार और बीजेपी पर कुछ इसी तरीके का हमला किया था, और अब नवाब मलिक के खिलाफ ईडी की इस कार्रवाई ने आग में घी डालने का काम किया है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।